the ideal concept. सुप्रभात। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मृदा संसाधन के अंतर्गत जो हम लोगों ने जाना था कि मृदा संसाधन के अंतर्गत मिट्टी के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में मैंने हम लोगों ने चर्चा किया था और मिट्टी का सभी प्रकारों को बारीकी रूप से जाना, इसके बाद उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व की प्रचुरता होती है, वह कौन से फसल के लिए लाभदायक है, उसमें किस फसल को वह अच्छे से अच्छे उत्पादन करने में सक्षम है, कहाँ पर कौन से मृदा, भारत के कौन से क्षेत्र में कौन से मृदा पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत में कौन से मृदा है, कितने हेक्टेयर में कौन से मृदा है, ये सब हमने जाना। आज का जो टॉपिक का हुआ है मृदा संसाधन का ही यह टॉपिक है, लेकिन मृदा संसाधन के अंतर्गत, मृदा संसाधन के अंतर्गत हम आज जानेंगे भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक। आज जो हम जानेंगे वह भूमि उपयोग मृदा संसाधन के अंतर्गत ही भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। यानी हम उस भूमि का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो हम उस भूमि का उपयोग किस रूप में करेंगे, इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। इसमें से दो रीजन वैसे मुख्य हैं, एक है भौतिक और एक है मानवीय। तो भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या आता है, जैसे मैंने आप नोट करते जाइएगा, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि भौतिक कारक यानी भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं। एक होता है भौतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत आता है भूमि उपयोग करने का वह भू आकृति का निकाल तात्पर्य यह है कि भूमि की जो आकृति होती है। इससे पहले हमने जाना कि भूमि की आकृति कैसी होती है, कि मैदानी क्षेत्र है 45%, 30% पहाड़ी क्षेत्र है, 27% पठारी क्षेत्र है। तो भू आकृति तो वो कैसा, जिस प्रकार से उसकी आकृति है हमें वैसे ही आकृति, तो क्योंकि भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है, वह आकृति प्रदान कर चुकी है, तो उस आकृति के अनुसार ही हमें उसका उपयोग करना है। अब जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर, जहाँ पर ये इस तरह की अगर भूमि ऊंची हुई है तो हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं, संभव है नहीं। यह भौतिक है, इसकी जो बनावट है इसी अनुसार से हमें कुछ करना होगा। जैसे हम यहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, जंगल लगा सकते हैं, झाड़ियाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। तो इस तरह से भू आकृति जैसे भूमि उपयोग को निर्धारित करती है। जलवायु भी भूमि उपयोग को निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित करती है जलवायु, अब जैसे मैंने कहा कि ये क्रिया है इस पर हम खेती नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी आकृति इस अनुसार है कि ऊपर ऊंचाई की ओर है, हम यहाँ खेती करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन कार्य होगा। दूसरा है कि यह ऊंचा हुआ नहीं, यहाँ एक की भौतिक स्वरूप एक की बनावट जो है वह इस प्रकार है, यानी समतल भूमि है। इसका क्या होता है कि हम इसका उपयोग कर लेंगे इसमें खेती में, नहीं हम फिर भी इसका उपयोग खेती में हो सकता है कि नहीं करें, हो सकता है कि खेती में करें लेकिन
हो सकता है कि हम खेती में इसका उपयोग न करें, क्योंकि यह निर्धारण कौन करेगा? भौतिक कार्य कर रहा कि समतल भूमि है लेकिन नमी नहीं है, हम फसल कैसे उगाएंगे? फसल नहीं उगा सकते। हो सकता है कि समतल भूमि है और इतनी अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है कि हम यहाँ पर खेती नहीं कर सकते, हमेशा जलमग्न है, तो हम वहाँ पर गेहूँ की खेती कर सकते हैं? नहीं। तो किसी प्रकार की खेती कर सकते हैं तो नहीं। वहाँ पर वैसे ज्वारीय वन या जो पानी में जो हमेशा वर्षा होगी, जलवायु वहाँ का गर्म होगा, हमेशा बारिश होगी, तो हमेशा इन जगह पर स्थान कीचड़ रहेंगे, तो वह पौधे उगेंगे जो कीचड़ में होने वाले। क्यों? वह उसका क्या कारण है? तो भौतिक कारण है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होगी। हो सकता है यहाँ पर बारिश न हो लेकिन समतल भूमि है, जैसे राजस्थान समतल भूमि है भाई, वहाँ खेती हो सकती है लेकिन नमी नहीं है। नमी ना होने के कारण वहाँ क्या हुआ कि बालू के कण यानी रेत जो है, रेत वह सूखा, वहाँ की जो मिट्टी है वह सूख गई चुकी है, शुष्क हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, और वहाँ पर किसी प्रकार की वो उसको हम क्या कर देंगे कि खेती नहीं हो पाते, लेकिन कुछ क्षेत्रों में होती है। तो इस तरह से जलवायु भी भूमि उपयोग का कारण है। मृदा मृदा भी है। अब यहाँ जलवायु भी सही है, जलवायु भी सही है, भू आकृति भी समतल है, इसकी आकार आकृति भी समतल है, अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, लेकिन लेकिन यहाँ की जो मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। कैसे कम जाते हैं कि बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, यानी मृत जीव कुछ मृत जीव भी होते हैं जो इसमें ह्यूमस प्रदान करते हैं, या कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो इसमें ह्यूमस प्रदान करते हैं। तो यहाँ की मृदा किसी कारण से अगर बंजर हो चुकी है, किसी कारण से अगर यह बंजर हो सकती है हो चुकी है, या फिर इसे बंजर, एक तो बंजर हो गई हो, और भी एक रीजन यह भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हम लोग कंकर पत्थर मृदा का ही एक रूप है, तो कंकर पत्थर अगर यही स्थान पर कंकर पत्थर की अगर मात्रा अधिक है तो क्या हम इसको खेती के योग्य ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते। तो इसके पीछे भौतिक कारक तो है कि भू आकृति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है यानी क्लाइमेट कैसी है, मृदा वहाँ की जो मृदा है वो कैसा है, तो इस प्रकार से भौतिक कारक भूमि उपयोग को निर्धारित करता है। जिस प्रकार से वहाँ पर भौतिक स्वरूप होगा यानी भूमि की आकृति होगी, जिस प्रकार से जलवायु होगा, जिस प्रकार से मृदा होगी, जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना कि काली मिट्टी है उसमें हम तंबाकू की खेती करेंगे अच्छी होगी? नहीं। लेकिन अगर उसमें हम कपास की खेती करेंगे तो वह अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वह भौतिक गुण पाए जाते हैं, उसमें पोटास फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, चूना की मात्रा पाई जाती है, तो उसमें अच्छी खासी कपास के लिए वह मिट्टी उपयुक्त है। तो वह मिट्टी उस वैसे मिट्टी में हम किस चीज़ की खेती कर लेंगे? कपास की खेती कर लेंगे, ना कि किसी और चीज़ की। जो यह निर्धारित कर रहा है कि इसके पीछे भौतिक कारक है। दूसरा कारक मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या होता है कि इसमें मानवीय कारक कि एक तो हमने बताया कि भूआकृति जलवायु मृदा ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर जो मानवीय कारक है इसमें मैंने जैसे भी लिखा है जनसंख्या घन, जैसे जनसंख्या घन को पहले समझते हैं। क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने किसी स्थान पर किसी
निश्चित स्थान हो तो उस स्थान पर एक वर्ग किलोमीटर में से मिलाने वाले लोगों की जो संख्या होती है वह जनसंख्या घनत्व को भी निर्धारित करती है। जैसे पूरा भारत का क्षेत्रफल है 25.8 लाख वर्ग किलोमीटर और यहाँ जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 125 करोड़ पहुँच चुकी थी, अभी तो 135 की शायद पार हो चुका होगा। तो यह उसको विभाजित करता है कि भाई 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है सो जनसंख्या 125 करोड़, तो एक वर्ग किलोमीटर में कितना होगा। यह जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है कि हमारे पास एक वर्ग किलोमीटर में 1100 जनसंख्या है या फिर 100 है या 500 है। तो यह अलग अलग है, अलग अलग राज्य में अलग अलग है। तो हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व भी जो है यह निर्धारित करता है भूमि उपयोग का। जैसे पूरे अगर हम भारत की चर्चा करते हैं तो पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले तो थी कम थी और 29 राज्यों की संख्या थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद उसे केंद्र शासित घोषित कर दिया गया। और केंद्र शासित घोषित करने के बाद जो है तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो राज्य से केंद्र शासित में कन्वर्ट हो गया, तो केंद्र शासित की संख्या बढ़ गया, राज्य की संख्या घट गई, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो पूरे भारत की अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरे भारत में भूमि एक समान नहीं है, भूआकृति एक समान नहीं है, कहीं की जलवायु भी एक समान नहीं है और मृदा भी एक समान नहीं है, यह आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह भी पढ़े हैं कि जो गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ समुद्र भूमि है, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ है। तो समुद्र भूमि में क्या होता है कि लोगों को घर बनाने में सुविधा होती है, परिवहन की सुविधा होती है। पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने में कठिनाई होती है, कहीं जाने आने में दिक्कत होती है, वहाँ पर काम की भी समस्या हो जाती है, अधिकतर रोजगार नहीं मिल पाते हैं लोग जो है तो जंगलों पर अधिक निर्भर करते हैं, अनाज बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में जो है तो पहाड़ों की संख्या पहाड़ जो है तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कुछ राज्यों में। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ की जो भूमि पर हम कृषि नहीं करते हैं, सड़क बनाने में कठिनाई होती है, जनसंख्या का घनत्व वैसे क्षेत्र में जहाँ जीवन यापन कठिन होता है, जिस स्थान पर जीवन यापन कठिन होता है उस स्थान पर जनसंख्या में ह्रास रहती है यानी कम होता है। जनसंख्या घनत्व वैसे क्षेत्रों में कम होती है और जहाँ पर प्रत्येक चीज की सुविधा, परिवहन की सुविधा हो, मकान बनाने में सुविधा हो, तो भरपेट भोजन आसानी से मिल जाए, रोजगार के अच्छे अवसर हो, तो वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। तो जनसंख्या घनत्व भी यह क्या है, यह तो मानवीय कारक है, यह भी भूमि उपयोग का एक कारक बढ़ सकता है। जैसे हम बात करते हैं मुंबई, आप जीके में पढ़े होंगे कि मुंबई 7 टापुओं का क्षेत्र, 7 टापू यानी मुंबई जो है भारत भारत का जो यह क्षेत्र है यहाँ पर मुंबई, इस क्षेत्र पर मुंबई यानी इधर अरब सागर, अरब सागर है मुंबई यहाँ पर स्थित है। इस स्थान पर जहाँ पर मुंबई स्थित है यहाँ पर द्वीप के जैसा मुंबई निकला हुआ, मुंबई बसने से पहले यानी प्राचीन काल में यह द्वीप के जैसा निकला हुआ, यहाँ पर विदेशी लोग
अपने सामान को आयात और निर्यात के लिए आते थे। तो जैसे यहाँ पर आना शुरू किए, यहाँ पर लोगों की संख्या जो है उनकी सामान खरीदने वालों की और बेचने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर आवागमन के जो कार्य है वह अधिक हो, धीरे धीरे कुछ लोग यहीं पर निवास करने लगे, धीरे धीरे उनकी जरूरत उनको देख करके अन्य लोग भी यहीं निवास करने लगे, धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का निवास स्थान बनते गया। और ऐसी स्थिति आई कि साध टापू को भरते लोगों ने क्या किया, भर दिया। अब जिस स्थान पर कभी टापू निकले हुए थे, दलदली क्षेत्र हुआ करता था, जो स्थान रहने योग्य नहीं था, मानव की जनसंख्या ने उसको क्या कर दिया, रहने के योग्य बना लिया। और उस जगह पर आज मुंबई शहर बसा हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा आर्थिक शहर है और यह इकोनॉमिक राजधानी भी है, आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो इस तरह से मुंबई को जो स्थान मानव के रहने योग्य नहीं था, उसे मानव की जनसंख्या घनत्व ने अपने योग्य बना। प्रौद्योगिकी विकास के कारण भी उस जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। आपको पता है अधिकतर दवाइयाँ जो है अंग्रेजी दवाइयाँ अधिकतर यहीं बनती हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश चाहे वह सोलन हो, बद्दी हो, अन्य जो भी क्षेत्र है ना, वो सब क्षेत्र में या मंडी हो, वो सब क्षेत्र कल्लू मनाली, ये सब अधिकतर क्षेत्रों में जो है तो दवाई का फैक्ट्री। तो दवाई की फैक्ट्री यानी प्रौद्योगिकी क्षमता वहाँ किसकी है, दवाई की है, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत से प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं जिसके चलते जो है रसायन आसानी से उपलब्ध हो जाती है और भी अन्य चीज़ हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से पूरा हो जाती है। तो इधर दवाइयों यानी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ दवाई की फैक्ट्रियाँ अधिक हैं। तो दवाई की फैक्ट्रियाँ अधिक है तो संभव है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के भी, क्योंकि दवाई कौन बनाए, मानव बनाएंगे, फैक्ट्री वहाँ सामान की अच्छी खासी उपलब्धता थी तो वहाँ पर फैक्ट्री दवाई की फैक्ट्री बनी। इसके बाद झारखंड है या उड़ीसा है या पश्चिम बंगाल हो, तो इन सब क्षेत्रों में क्या है कि प्रौद्योगिकी का विकास कहीं ना कहीं हुआ। महाराष्ट्र है तो वहाँ कपास की अच्छी खेती होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। गुजरात है, सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। तो प्रौद्योगिकी क्षमता भी अब जहाँ पर एक खेती करने के लिए जगह हुआ करता था, जहाँ पर अन्य कार्य भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर जो क्षमता थी काली मिट्टी के कारण, कपास की खेती के कारण, कपास का जो खेती हुआ जिसके चलते जो है जो वहाँ पर कपड़े की मिल बैठाया गया, और कपड़े की मिल जब बैठाया गया तो वहाँ की भूमि जो है पहले खेती होती थी, अब तो उस जगह पर क्या हो गया, उद्योग धंधे खुल गए, उद्योग बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुल गए, इसके कारण किया वहाँ की भूमि का प्रारूप जहाँ पर पशुचारण का क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ पर गाय भैंस लोग चराते थे, आज वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग। तो जहाँ पर कल अच्छी खेती होती थी आज वहाँ पर क्या कि बंजर भूमि बन चुकी है उद्योग के कारण। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भूमि उपयोग में मानवीय कारक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सांस्कृतिक हो या परंपरा हो, ये सब कारक है। सांस्कृतिक का मतलब जैसे बद्रीनाथ हो गया या केदारनाथ हो गया या अजमेर शरीफ हो गया, ये सब क्या है कि लोगों को एक अपने 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 धर्म के अनुसार परंपरा रही कि बैजनाथ धाम झारखंड रांची में एक स्थान है, वो बैजनाथ धाम के नाम से ही जाना जाता है। तो बैजनाथ धाम में शंकर भगवान को की मूर्ति बनाई गई, अब वहाँ क्या है कि उन्हीं की पूजा होती है।
यह हमारी एक परंपरा बन गई। पूर्वजों ने वहाँ पर बताया और अभी भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं और यह हमारी परंपरा है। संस्कृति भी इस तरह से हावी हो जाती है। तो किस पर? यह मानवीय कारक है, भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाली मानवीय कारक है। तो मानवीय का हमने जाना कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक दो हैं। वह दो कारक एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक नहीं, इसी को और गहराई से जानते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 लाख किलोमीटर। अब यह 32 लाख किलोमीटर है तो क्या इतने बड़े क्षेत्रों पर खेती होती है? तो नहीं। सबसे पहली बात है कि हमें पूरे भारत का जो है यह आंकड़ा भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। क्यों क्यों प्राप्त नहीं है? तो यह भी जान जाइए कि क्यों प्राप्त नहीं है। भारत का कुछ क्षेत्र, भारत का जो कुछ क्षेत्र है मैं इसको मिटाता हूं। या प्रकृति में समतल मैदान हो गया, पर्वत पठारी क्षेत्र है और अमेरिका ने उसमें हस्तक्षेप किया और बोला कि जो जहां है वहीं रुक जाए। तो इसके
करते थे पाकिस्तान की सेना उस समय भारत के इस क्षेत्र में था, भारत के इस क्षेत्र में था। तो पाकिस्तान की सेना कहाँ तक रह गई, यहाँ तक रह गई, यानी यह क्षेत्र जो है इसमें यह हिस्सा है हिंदुस्तान का, लेकिन अभी इस पर जो अधिग्रहण है वह किसका, यानी इसको जो इस पर जो अभी कब्जा जो किए हुए यह कौन किए हुए, यह पाकिस्तान किए हुए। यहाँ इसी क्षेत्र को पीओके कहा जाता है, इसी क्षेत्र को पीओके कहा जाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान इसका कुछ क्षेत्र चीन को भी दिए हुए, जो चाइना से जो क्षेत्र सटा हुआ है, जो क्षेत्र चाइना से सटा हुआ है वह क्षेत्र चीन को भी दिए हुए, कौन, पाकिस्तान, किसी कारण से दिए हुए हो। तो यह क्षेत्र का सर्वे करना मुश्किल है, तो इसका सर्वे नहीं हो पाया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है वह भी पहाड़ी है, थोड़ा मुश्किल होता है सर्वे करना, तो इन सब क्षेत्रों का जो है सर्वे नहीं है। तो हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं कितने भूमि का, यानी पूरे भारत का, मात्र पूरे भारत का अगर 100% भूमि का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, पूरे भारत के भूमि का 93% का ही आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है। इसके अनुसार से हम क्या देखता है कि 93% जो भूमि है उसी को 100 माना गया, जो आंकड़े उपलब्ध है उसी को अगर 100 माना गया है, तो 100 मानने के बाद हम इसमें जो खेती करते हैं वह कहा गया है 54% मात्र खेती करते हैं। क्यों 54% खेती करने का क्या रीजन है, 54% खेती करने का रीजन है यहाँ पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र में, और इधर पठारी क्षेत्र में हम खेती नहीं कर सकते। तो प्रत्येक जगहों पर जो खेती करने योग्य भूमि है वहीं पर खेती कर सकते हैं। जैसे अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा यहाँ पर, यहाँ का जो भूमि है इसका 80% खेती में लगाया है, यानी पंजाब और हरियाणा की जो भूमि है वो उस भूमि का जितने भी क्षेत्र है उसमें 80% क्षेत्र में क्या लगाया गया, फसल लगाया जाता है, यानी खेती की जाती है। वही अगर पूर्वोत्तर राज्य में चलते हैं, चाहे वह सिक्किम हो, मिजोरम हो, या अरुणाचल प्रदेश हो, तो इन सब क्षेत्रों में मात्र 10% कृषि की जाती है, 10% भूमि पर ही कृषि किया जाता है। तो यह क्या दिख रहा था कि कहीं पर 80% कृषि हो रही है, कहीं पर 10% ही कृषि हो रहा है। कारण क्या, कारण यह है कि भूमि को उपयोगी करने का निर्धारण प्रकृति रूप से भी होते, यानी भौतिक कारक भी होते हैं, यहाँ की जो उच्चावच है वह खेती योग्य नहीं है, और यहाँ पर जो है समतल भूमि है, भूमि की आकृति कैसी है, समतल है, जलवायु ठीक है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होती है जिसके कारण से यहाँ पर खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, भूमि उपयोग के कारण। अगले टॉपिक जो हम लोग जानेंगे वह होगा भू क्षरण और भू संरक्षण। तो यह वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा, अगर किसी चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो ज़्यादा देर तक अगर देखते हैं तो भी दिमाग में नहीं आता है, तो यह एक अंतिम वीडियो में कल डाल। तो पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ पर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ शायद सर गलत बता दिया है, और आप उससे उसको अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो हमें कमेंट करके लिखिए, हम भी उस चीज़ को जानने में बहुत ही रुचि रखते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि कहीं अगर आपको समझ में ना आए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो दसवीं के जो बच्चे हैं वो जैसे जैसे टॉपिक समाप्त होते जाता है वैसे वैसे सवाल भी आप लोग समाप्त करते जाइए, और जो सवाल नहीं बने वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए, हम उस सवाल का आंसर ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।